नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल टिप्स इंडिया पर आज तारीख 2 मई 2020 के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम कुल 11 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे तथा उनसे संबंधित फैक्ट को देखेंगे। वीडियो के अंत में हम कुल 4 क्विज पूछेंगे, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें तथा वीडियो को कंप्लीट देखें। कल की क्विज का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया, वे किस बीमारी से पीड़ित थे? वह न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। नेक्स्ट, किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? यह आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की है। इन सभी क्वेश्चन के फैक्ट देखने के लिए हमारी 1 मई 2020 की वीडियो अवश्य देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा धारावाहिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम बन गया है? वह है रामायण। निम्न में से कौन सा धारावाहिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम जैसा कि रामायण बन गया है? यह 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया और यह एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। इस कार्यक्रम ने साल 2003 में दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पौराणिक सीरीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 का निकेई एशिया पुरस्कार किसे दिया गया? निकेई एशिया पुरस्कार जो 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, यह 2020 का निकेई एशिया पुरस्कार प्रोफेसर टी प्रदीप को दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों, मद्रास के आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। जबकि जैसा हमने बताया है, निकेई एशिया पुरस्कार 3 श्रेणी में दिया जाता है। पहली श्रेणी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जबकि दूसरी श्रेणी जो है वह संस्कृति और सामुदायिक श्रेणी है। इसके लिए राम प्रसाद कदेल जो नेपाल से, उनको दिया गया है। आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार तीसरी श्रेणी है, यह एंथनी टेन मलेशिया और टेन बोई पिंग मलेशिया को दिया गया है। एशिया, निकेई एशिया पुरस्कार क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। निकेई एशिया पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया क्षेत्र के सतत विकास और एशिया के बेहतर भविष्य के निर्माण के कार्यों में योगदान दिया हो। यह मुख्यतः 3 श्रेणी में दिया जाता है, आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी व संस्कृति और समुदाय में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? विकास अभय ऋण योजना शुरू की है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्धारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक योजना शुरू किया है। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उद्धारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई है। यहां पर आया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में है, जबकि इसके अध्यक्ष पी गोपी कृष्णन है। कर्नाटक, जैसा कि हम मैप में देखते हैं कर्नाटक को, यह मैप में दिखाई देने वाला पूर्वी घाट पर स्थित कर्नाटक है। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहां की जनसंख्या 6.41 करोड़ है। यहां के गवर्नर वज्जू भाई वाला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मनी जाती है, जब अमेरिका के मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास में मनाया गया था। यहां पर दो डेट आई हैं, एक
1 मई 1886 व 1 मई 1923 जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई, अमेरिका में 1 मई 1886 से मनाई जाती है, उसी प्रकार से भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, वह देश जर्मनी है। बता दें कि बैकोल जर्मन सरकार हिजबुल्लाह की गतिविधियां आपराधिक कानून का उल्लंघन करती हैं। अमेरिका व इजराइल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। हिजबुल्लाह लेबनान का एक सिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन है। हिजबुल्लाह लेबनान के नागरिक युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था। इसे आतंकवादी संगठन जर्मनी सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार कौन बनी है? परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार शिखा शर्मा बनी है। बता दें एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया है। गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए एक प्रमुख ऐप है। जैसा कि यहाँ प्रश्न आया है गूगल, तो गूगल जिसके सीईओ सुंदर पिचई हैं। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। यह शिखा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का निधन हो गया है? वह सुन्नी गोस्वामी का हो गया है निधन। सुन्नी गोस्वामी उनकी कप्तानी में भारत 1964 में एशियाई कप में उपविजेता रहा था। उन्होंने क्लब फुटबॉल में मोहन बागान के लिए खेला। इसके अलावा वह एक अच्छे क्रिकेटर भी थे। उन्हें 1971-72 सीजन में बंगाल रणजी ट्रॉफी टीम का कप्तान बनाया गया था। यह सुन्नी गोस्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी और पद्म श्री से सम्मानित गांधीवादी विचार हेमा मालिनी का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वहां उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? उनका जन्म असम राज्य में हुआ था। हेमा मालिनी का जन्म 19 फरवरी 1919 को असम में हुआ था। वह 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए बुद्धान आंदोलन में शामिल हुई, जिसमें वह एक प्रमुख नेता बनकर उभरी थी। यह हेमा मालिनी है। हाल ही में किसके द्वारा आयुरक्षक कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया? वह अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान व दिल्ली पुलिस दोनों के द्वारा मिलकर किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में कोविड 19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, जिसमें आयुर्वेद और इम्यूनिटी बूस्टिंग के सरल उपायों के बारे में बताया गया। इसमें दो संस्थाओं का सहयोग रहा, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक AIIA जबकि दिल्ली पुलिस। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के टेराकोटा को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, GI टैग? यह गोरखपुर को दिया गया है। गोरखपुर को टेराकोटा का GI टैग दिया है, जबकि इसके अलावा मणिपुर के काले चावल जिसे चाक हाओ भी कहा जाता है, तमिलनाडु के कोविल पट्टी की कदलाई मिति को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, GI या जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यह गोरखपुर को GI टैग दिया है। गोरखपुर को टेराकोटा लगभग 100 वर्ष पुराना है। हस्तशिल्पियों द्वारा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दोमट मिट्टी से तैयार की गई छोटी बड़ी आकृतियों और मूर्तियों का पकने के बाद लाल रंग खूद खूद कर निखर जाकर सामने आता है। सबसे खास बात यह है कि दीपदान हो या मोर निकासी के लिए हुए झूमर, लैंप्स और पंछियों की आकृतियां या फिर पांव 5 फीट का हाथी बनाने में चाक या सांचे का उपयोग नहीं होता, शिल्पकार हाथों से इसे गढ़ते हैं। गोरखपुर का टेराकोटा को GI टैग दिया है। उसी प्रकार से मणिपुर के ब्लैक राइस या कावल चावल को व कोविलपट्टी कदलाई मिति को जो तमिलनाडु में GI टैग दिया गया है। किस संस्था ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन अभियान शुरू किया है? वह फीफा ने शुरू किया है, फीफा।
बता दें फीफा की फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, जिसके अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। जैसा कि विल विन अभियान फीफा ने शुरू किया है, इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य पेशेवरों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है जो COVID-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रखने में लगे हुए। इस वीडियो में भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान भाईचुंग भूटिया भी शामिल हैं, जिन्हें 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में से एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तथा आज के क्विज क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस तिथि को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट, इंटरनेशनल जज डे किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दें तथा इससे संबंधित फैक्ट जरूर दें। किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए शुरू की जीवन अमृत योजना? जीवन अमृत योजना किस सरकार ने शुरू की है? इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दें। किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है तथा यूएनओ से संबंधित सभी डिटेल हमारी 1 मई की करंट अफेयर्स वीडियो में देखें तथा इनसे संबंधित फैक्ट देखें। धन्यवाद दोस्तों।